नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोप्रिटोरशिप, फिर आता है हमारा पार्टनरशिप, फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोप्रिटोरशिप। तो प्रोप्रिटोरशिप का मतलब क्या होता है? प्रोप्रिटोरशिप का मतलब होता है कि कोई एक इंडिविजुअल आदमी ही, एक सिंगल पर्सन ही जो है पूरे बिजनेस को ओन करता है। प्रोप्रिटोरशिप में बिजनेस में कोई भी रिस्क होता है तो वो उस सिंगल पर्सन के द्वारा ही लिया जाता है, और इसमें जो भी प्रॉफिट या फिर लॉसेस होते हैं वो भी उस अकेले ओनर को ही भरना पड़ता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोप्रिटोरशिप के एडवांटेजेस। तो प्रोप्रिटोरशिप के एडवांटेजेस क्या क्या है चलिए देखते हैं। प्रोप्रिटोरशिप का सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये आता है कि ये जो है जितने भी टाइप के ओनरशिप्स है सब में से सबसे ईजिएस्ट एंड सबसे लिस्ट एक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चीला ओनरशिप है, क्योंकि इसमें जो है हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए जो है इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो बच जाता है। तो क्योंकि प्रीपिटियोरशिप में एक ही ओनर होता है तो ओनर को जो है कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी दुविधा नहीं आती, वो फ्रीली जो है कोई भी इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। प्रीपिटियोरशिप में सभी कंट्रोल्स जो है एक ही आदमी के पास होते हैं जो कि ओनर होता है, और इसमें जो है कोई भी दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसमें जो है हमारा प्राइवेसी भी काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, इसमें हमारा प्राइवेसी लीक नहीं होता है, और बिजनेस सीक्रेट्स जो है हमारे सिक्योर रह सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो जैसा कि प्रीपेटोरशिप के ओनरशिप में ओनर ही सारा प्रॉफिट लेता है, सारा इन्वेस्टमेंट करता है, सारे बिजनेस मॉडल को देखता है। अब इस केस में अगर कोई लॉस हो जाता है बिजनेस में, कोई घाटा हो जाता है, तो जो है ओनर को ही सारा लॉस को चुकाना पड़ता है, और वही जो है सारे घाटे को जो है अपने सर पर लेता है। तो यहाँ पर जो है ओनर को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है ओनर लोग सड़क पर आ जाते हैं इसी की वजह से। प्रोप्रिटोरशिप में क्योंकि ओनर अकेला होता है तो उसका लाइफ भी जो है लिमिटेड है। अगर वो किसी वजह से मर जाता है तो शायद हो सकता है कि उसका मौत ही उसका बिजनेस को ले डूबे और उसका बिजनेस भी वहीं पर ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ये आता है कि इसमें हमारा जो कैपिटल है वो भी लिमिटेड रहता है, क्योंकि इसमें एक ही पर्सन जो है पूरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, पूरे बिजनेस को संभालता है, तो जो है हमारा कैपिटल है वो भी लिमिटेड ही रहता है। फिर हमारा जो यहाँ पर मैनेजमेंट एबिलिटीज़ है वो भी लिमिटेड ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन होता है। तो चलिए हम लोग प्रोप्रिटोरशिप के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो प्रोप्रिटोरशिप किन किन जगह में यूज़ होते हैं? सबसे पहला तो आता है हम लोग जैसे कि कोई शॉप हो गया, फिर कोई स्मॉल इंजीनियरिंग फर्म्स हो गया, फिर कोई ट्रेडिंग कैटेगरीज में हम लोग देखें तो जैसे कि कार्स, बाइसाइकिल्स या फिर कोई ऑटोमोबाइल्स का शोरूम वगैरह हो गया। तो ये सब जो है सिंगल पर्सन के द्वारा ओन किया जाता है, तो ये सब जो है प्रोप्रिटोरशिप के अंदर आता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब भी कभी दो या दो से अधिक लोग मिलजुल कर एक ही बिजनेस को खड़ा करते हैं तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप के कुछ टाइप्स होते हैं यहाँ पर हमारे। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा जनरल पार्टनरशिप, फिर आता है हमारा लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जैसा कि हम लोग जनरली पार्टनरशिप कोई भी कंपनीज का देखते हैं जिसमें दोनों ही पार्टनर्स या फिर कह सकते हैं दो से अधिक पार्टनर्स अगर होते हैं तो उनको जो है इक्वल शेयर्स मिलता है, सभी प्रॉफिट एंड लॉसेस में सबका समान अधिकार होता है, सभी मैनेजमेंट को वो लोग जो है अपनी तरफ से ज़्यादा जो है अच्छा करने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट सिस्टम को, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप करते हैं लेकिन वो अपना जो है लिमिटेड टाइम और लिमिटेड योगदान देते हैं अपना जो है बिजनेस में। जैसा कि कोई पार्टनर हो गया जो कि मैनेजमेंट का वर्क नहीं करता है, कुछ भी मैनेजिंग का काम नहीं करता है, वो सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट करता है और जो भी प्रॉफिट होता है उसका अपना शेयर अपने हाथों में ले लेता है। फिर हमारा जो ये पार्टनरशिप होता है इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। तो जो पार्टनर्स होते हैं इनको भी जो है आगे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा एक्टिव पार्टनर और दूसरा आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर।
तो एक्टिव पार्टनर्स एक्चुअली वो पार्टनर्स होते हैं जो कि एक्चुअली में काम करते हैं, जो कि बिजनेस को पूरी तरह से मैनेज करते हैं और पूरा जो है अपना टाइम उसमें देते हैं। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो लोग कुछ काम नहीं करते, बस सोते रहते हैं। यानी कि वो लोग कुछ मैनेजमेंट वगैरह नहीं करते किसी बिजनेस में, वो लोग सिर्फ जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेजेस हमारा ये आता है कि ये जो है काफ़ी इजीली हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप। और ये जो है काफ़ी कम एक्सपेंसिव होता है कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के कंपैरिजन में। फिर हमारा जो पार्टनरशिप होता है ये हमारा जो है लार्ज स्केल में कोई भी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है पार्टनरशिप के थ्रू। और एक एडवांटेजेस हमारा ये आता है कि पार्टनरशिप के थ्रू अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं तो हमारा जो है इनकम टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बचत आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस को। तो पार्टनरशिप का डिसएडवांटेजेस क्या होता है? पार्टनरशिप करने से हम लोग का कोई भी जो ओनरशिप होता है वो बढ़ जाता है किसी भी कंपनी का। इससे हमारा जो है डिसीजन लेने में हमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जो है इसमें हमारा कुछ प्राइवेसी उतना खास रह नहीं जाता है क्योंकि इसमें जो है अलग अलग पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ये आता है कि इसमें हमारा लाइफ टाइम जो होता है लिमिटेड होता है। लाइफ टाइम लिमिटेड होता है क्योंकि कोई भी कंपनी का अगर पार्टनर्स लोग जो है किसी वजह से मर जाते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह में, जानते ही आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, तो इस कारण से क्या होता है वो ऑर्गेनाइजेशन वो पूरी कंपनी ही डूब जाती है, उस पूरे कंपनी का नामो निशान खत्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है आजकल। स्टॉक मार्केट के बारे में कौन कौन जानते हैं वो इसके बारे में ज़रूर समझते होंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्चुअली कुछ ऐसी होती है कि कोई एक कंपनी आती है और वो लोग कहते हैं कि हमें जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, और लेकिन हमारे पास जो है पूरा कैपिटल नहीं है जिसके कारण हम लोग जो है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो पब्लिक से डिमांड करती है स्टॉक्स के लिए और कैपिटल के लिए, ताकि उन्हें जो है अपनी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इनफ कैपिटल अवेलेबल हो जाए। और बदले में वो लोग जो है विथ इंटरेस्ट पब्लिक को जो है उसका पैसा वापस कर देती है इन टाइम। अगर उन्हें कुछ ज़्यादा मुनाफा हो जाता है तो वो लोग जो है पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटरेस्ट में पैसे वापस करते हैं। आप लोगों ने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सुना ही होगा, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज भी जो है स्टॉक्स लेती है पब्लिक से और पब्लिक को बाद में जो है विथ इंटरेस्ट पैसे वापस कर देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेजेस तो हमारा ये आता है कि इसमें जो है ओनरशिप जो होता है हमारा वो ट्रांसफरेबल होता है। यानी कि हमारा इसमें कोई एक ओनर ही ज़रूरी नहीं है कि एक ही ओनर हो। अगर वो ओनर किसी वजह से मर जाता है या फिर तो कुछ उसे हो जाता है तो हम लोग जो है दूसरा ओनर भी ला सकते हैं जिसने कि इस कंपनी को अपना शेयर दिया हो। तो हम लोग जनरली शेयर मार्केट या फिर कह सकते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में हम लोग उस तरह के लोगों को ओनर मान लेते हैं जिनका शेयर जो है सबसे ज़्यादा है। अब हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्योंकि अलग अलग लोग अपने अपने शेयर्स देते हैं, तो इसमें अगर कोई भी लॉसेस हो जाता है या फिर ये कंपनी डूब जाती है तो हमारा जो है किसी को सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत ही छोटे अमाउंट में सब कोई अपना जो है स्टॉक्स इसमें डालते हैं। और वो स्टॉक्स जो है कुछ इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट के नहीं होते कि उनके डूब जाने पर लोगों को सड़क पे आना पड़ जाए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो हमारा ये है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों के शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होते हैं? ये एक्चुअली जो है कुछ एक तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि सोसाइटी के पीपल्स फॉर्म करते हैं आपस में, और ये जो है नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ये लोग जो है एज अ वॉलंटियर वर्क करते हैं किसी भी काम को, एज अ सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एज अ वॉलेंटियर की तरह वर्क करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एडवांटेजेस को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस ये है कि ये जो है काफ़ी इजीली हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी इजीली फॉर्म हो जाता है। फिर दूसरा एडवांटेजेस इसमें ये है कि इसमें जो है हमारा अच्छी तरह का कंट्रोल होता है, सभी पीपल्स अपने जो है अच्छी तरह से योगदान देते हैं, जितना भी हो सके वो लोग जो है अपने तरफ से कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ताकि दूसरों की हेल्प हो सके।
अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उसमें जो भी लीडर होता है या फिर कह सकते हैं जो भी ओनर उस सोसाइटी का बनाया जाता है किसी को भी, तो वो जो है एक डेमोक्रेटिक मैनर में किया जाता है, वोटिंग करके किया जाता है। जो भी वोट में सबसे ज़्यादा अव्वल आता है यानी कि वोटिंग करके जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उन्हीं को जो है ओनर बना दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है ना, ये काफ़ी नाजुक होता है। एक दो बेईमान लोग आने से जो है ये पूरी सोसाइटी ही बर्बाद हो सकती है, क्योंकि एक दो लोगों की करप्शंस की वजह से, एक दो लोगों की बेईमानी की वजह से हमारा जो है ये ऑनेस्टी और जो कोऑपरेशन होता है इस सोसाइटी में, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और ये सोसाइटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब जो है यहाँ पर कोई प्रॉफिट के लिए तो कोई काम करता नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। तो यहाँ पर जो भी लोग अमाउंट जो है डोनेट करते हैं एज अ डोनेशन ही देते हैं, उन्हें डोनेशन ही कहेंगे, क्योंकि एज अ जो है वो लोग अपनी खुशी से कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस सोसाइटी में। तो एज अ हम लोग मान सकते हैं कि ये जो अमाउंट होता है एक तरह से लिमिटेड होता है, कोई भी जो है इसमें अपना भरपूर योगदान नहीं करता है। अब हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी होता है इसमें हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं और एज अ हम लोग वोटिंग करके ही हम लोग जो है कोई भी डिसीजन लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री या फिर कंपनी अगर किसी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओन की जा रही है, कोई गवर्नमेंट उसे चला रही है, तो उसे हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स कहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ एडवांटेजेस को। तो सबसे पहला एडवांटेजेस तो इसमें ये आता है कि इसमें हमें कोई भी कैपिटल की कमी नहीं होती है, यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकती फिर है। हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस ये आता है क्योंकि ये सरकारी काम होता है, सरकारी कंपनी होती है, तो ये लोग सरकारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सरकारी प्रोडक्ट्स तो जानती है कितने सस्ते होते हैं, तो ये एज अ पब्लिक के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस ये आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो भी कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, जो भी कंपनीज गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आती है और प्रॉफिट कमाती है, तो उनका प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट तो खाएगी नहीं, गवर्नमेंट उसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट ही करेगी, जिससे कि आगे चल के हमारे नेशन का कुछ फ़ायदा होगा। अब हमारे जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के कंपनीज वगैरह होते हैं, ये लोग जो है टाइम टू टाइम काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट्स जो है क्रिएट करते रहते हैं। आप देखते ही होंगे काफ़ी सारे रेलवे रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये सब तो आते ही रहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो ये सभी जॉब्स कैसे आती है, ये सभी जॉब्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये एज अ काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है। तो चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस हमारा ये आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कुछ अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया जाता है, इसका मैनेजमेंट सिस्टम कुछ खास नहीं होता है, और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। आप जानते ही हैं कि सरकारी काम किस तरह से होता है, कितना जो धूप में दौड़ना पड़ता है, दौड़ते दौड़ते हमारा चप्पल घिस जाता है, फिर भी ये सरकारी काम यार होने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, अपनी तरफ से शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें।